इसी के लिहाज से एक बड़ी खबर, कुमार कुंदन ब्रेक कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का ग्रामीण इलाकों में बड़ा कहर, देश के कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरल के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा संक्रमण। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बढ़ा संक्रमण, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको सीधे कुछ इस खबर में मैं आपको दो दो ग्राफिक्स दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहला ग्राफिक्स और फिर मैं कुमार कुंदन के पास आऊंगा। आइए जरा प्ले करें, यहां पर ये जरा समझें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको समझें, बड़ा हैरान करने वाला है। 9 अप्रैल का जो चार्ट है इसको देखें आप, 9 अप्रैल का चार्ट देखें आप, ये देखें, समझें आप। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, एक एक करके दिखाएं आप मेरे साथ जो राणा साहब कैमरा में है। 25% था कर्नाटक में, ये ग्रामीण है, लाल वाला ग्रामीण इलाका है, परसेंटेज में लाल वाला ग्रामीण है। अर्बन में 75%, कर्नाटक में 25%, 9 अप्रैल को। केरल में रूरल एरिया में 42%, अर्बन में 58% कोरोना के केसेस। तमिलनाडु में 42% और 58%, ये रूरल एरिया है रेड वाला, अर्बन जो है वो ब्लू वाला है। पश्चिम बंगाल में 35% और 65%, ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट चेंज करें, ये 9 अप्रैल का है। गुजरात में 28% और 72% रूरल और अर्बन। पंजाब में 42%, 40% और 60% रूरल, 40% अर्बन, 60% 9 अप्रैल। उत्तराखंड 19%, 81% चेंज करें। अब मई की बात करते हैं, इसको चेंज करें। 9 अप्रैल से 9 मई के बीच में क्या तब्दीली हो गई, अब आप देखें, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहां पर कर्नाटक में 44% रूरल एरिया में कोरोना फैल गया है। राहुल नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहे। कर्नाटक में 44%, केरल में 42% रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है, 9 मई की बात कर रहा हूं मैं। तमिलनाडु में 49%, तमिलनाडु में 49% रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। पश्चिम बंगाल में 47% रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। गुजरात में 31% रूरल एरिया में कोरोना फैल चुका है। पंजाब में 49%, पंजाब 49%। आपको पता होगा हमारे लिए पंजाब का रूरल एरिया कितना जरूरी है, पूरे देश का जरूरी है, लेकिन पंजाब, अगर आप फूड बॉल की बात करें तो उत्तराखंड, कुंभ खत्म हुआ ना वहां पर, 41%। अब यहां पर केरल को देखें आप, तमिलनाडु को देखें, पश्चिम बंगाल को देखें, इन तीनों को एक साथ देखें जरा, ये इलेक्शन स्टेट्स हैं, तीनों को देखें, 42% केरल में, तीनों इलेक्शन स्टेट्स एक साथ दिखाइए। तमिलनाडु 49%, राहुल तीनों को एक साथ दिखाइए, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 47%। देख रहे हैं आप ये तीन राज्यों में रूरल एरिया में क्या हो रहा है, तबाही। हम इसी ने कह रहे थे, फोर वॉर्न कर रहे थे। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, रवि मेरे साथ है, रवि, राहुल दोनों ग्राफिक्स को दिखाएं। रवि, बंगाल के रूरल एरिया में जो अभी हमने डेटा देखा उससे लग रहा है बंगाल में लगभग 50% के रूरल एरिया में कोरोना फैलना शुरू हो चुका है, क्या हालात है अभी वहां पर? राहुल ग्राफिक्स दिखाएं यहां पर। निशान देखिए, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं, अभी तक जितने एक एक दिन में करीब 20,000 से ज्यादा केसेस पश्चिम बंगाल में आ रहा है, उसमें पहला नाम है कोलकाता का, जहां पे करीब 3,973 केसेस आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में आ रहा है 3,998 केस, उसका बाद जो आ रहा है हावड़ा और हुगली, जो कि 1,000 के पार केसेस है। पांचवा जो सबसे बड़ा नाम है 715, वो है दार्जिलिंग। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जो पहाड़ सबसे ऊंचा है, ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ पांचवा सबसे ज़्यादा केसेस दार्जिलिंग से आ रहा है। और पांचवी सबसे ज़्यादा मौत अगर पश्चिम बंगाल में कहाँ कहीं पे अगर हो रहा है, चौथी अगर है तो वो दार्जिलिंग है, क्योंकि केसेस, डेथ केसेस जो आ रहा है कोलकाता में 37, नॉर्थ 24 परगना में 39, साउथ 24 परगना में 15, उसका बाद सीधा दार्जिलिंग 7 एक एक दिन में। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जो बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि रूरल पश्चिम बंगाल में ये फैल चुका है, ज़रूर ये फैल चुका है, और इसका कारण इलेक्शन है। और पांचवी सबसे बड़ा नाम है बीरभूम, दार्जिलिंग के बाद बीरभूम आ रहा था। ये सारे जगह जहां इलेक्शन का फोकस है, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, मैं ठीक सीधे चलूंगा, मेरे साथ आप जो बता रहे हैं पॉइंट, लेकिन आप डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो से, एंड डीके गुप्ता सर मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, इलेक्शन का परिणाम समझा जाए
या लोगों का जो लॉकडाउन, एक सेमी लॉकडाउन जो लगता गया देश में, कोरोना कर्फ्यू जिसको नाम दिया गया, उसके बाद जो लोगों का पलायन वापस गांव की तरफ हुआ, उसका परिणाम समझा जाए, क्या समझा जाए, इसका मेन रीजन क्या है रूरल में कोरोना फैल रहा है? देखिए ऐसा है, मैं रोज कल भी बोल रहा था, परसों भी बोला था, ये तो होना ही था, उसका रीजन है। देखिए पलायन, आपने कहा कि पलायन हुआ, ये बात सही है। दिस इज हाईली कॉन्टेजियस वायरस, ये पक्की बात है। दिस इज मोर विरुलेंट वायरस, ये पक्की बात है। जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेन आया, यूके स्ट्रेन आया, फिर अभी एक और नया स्ट्रेन आ गया जो कि 1617 है, जिसको WHO ने इंडियन वेरियंट बोल दिया, विच इज नॉट सो करेक्ट, बट ठीक है, उन्होंने इंडियन वेरियंट बोला। अब हमें करना क्या है? अब ये तो देखिए, हमारा 80% 75% ग्रामीण रहती है, अभी तक हम केवल फोकस कर रहे थे वहां पे। हमारे पास RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों टेस्ट अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी इतना डाटा है, इसका मतलब इसका एटलीस्ट 3 times इन्फेक्शन होगा, पक्की बात है। डेथ्स रजिस्टर इसलिए नहीं हो पा रही है कि जब RT-PCR पॉजिटिव ही नहीं आया तो उस डेथ को जो एक नॉर्मल डेथ होगी उसको उसमें रजिस्टर होगा ही नहीं, तो 3 times डेथ भी मान लीजिए। अब ये होना था, इसको अब आगे बचाव कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। आगे बचाव का एक ही तरीका है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहां पे ग्राम प्रधान है, वहां पे सारे जो लाउड स्पीकर से, जैसे होता था ना पहले इलेक्शन होते थे लाउड स्पीकर पे, इनको वोट दो। अब ये कहना है कि 5 लक्षण, बुखार, खांसी, सेंस ऑफ लॉस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल या लूज मोशन, अगर किसी को हो तो पहले दूसरे दिन प्राथमिक चिकित्सा उसको इग्नोर ना करें, और एक कोरोना किट बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, सैल्यूट यू सर, जो कि वहां पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में हो। वेल सेड। RT-PCR रैपिड एंटीजन की छोड़ दें, एनी कॉफ और फीवर हैज टू बी टेकन, अगर हमको डेथ्स रोकनी है जी। अभी हमारे पास दवाइयां, वैक्सीनेशन, डॉक्टर साहब आपने जो डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर विवेक गुप्ता आपने जो बात बताई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जग जाए और हम लोग को विलेज पे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से अभी करें, और हमारे पास मैन पावर है, वॉलंटियर्स हैं सर। लेकिन लेकिन मैं एक एक चीज बताना चाह रहा हूं डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड में रोकूंगा आपको। वेल सेड सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन डॉक्टर गुप्ता, मैं एक सेकंड रोकूंगा आपको, पार्डन मी सर, एक मिनट रोकूंगा मैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।